मान लो ये दुनिया है, दुनिया, इस दुनिया में जीने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा, सिर्फ पैसा, ओनली मनी। तो ये मान लो एक दुनिया है, अब हमें पैसे के लिए क्या करना होगा? कोई प्लम्बरिंग का काम करता है, कोई किसानी का काम करता है, कोई हेल्परी का काम करता है, कोई खुद का बिजनेस करता है, कोई ऑनलाइन कमाता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप गरीब बनेंगे या अमीर बनेंगे, तो आप अपने हिसाब से अपना काम चूज करेंगे। तो ये मान लीजिए अगर आप जाएंगे किसानी की तरफ, तो आपको रात में भी मेहनत करना पड़ेगा, दिन में भी मेहनत करना पड़ेगा। जितनी फसल उगाओगे, उस फसल को उगाने के बाद जब आप काटोगे, काट के बाद उसी फसल को बेच के दोबारा फिर उगाओगे, तो आपका 0/0 हो जाता है। तो आप लेवल में ही रहते हैं, लेवल में ही। अगर आप प्लम्बरिंग के काम करेंगे, इसका नल बनाएंगे, उसका नल बनाएंगे, बस ऐसे आते जाते ही रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन में जाओगे, तो ऑनलाइन बहुत सारा पैसा कमाओगे, बहुत सारा। अब मेहनत भी अपने आप से करोगे, अपने टाइम पे करोगे, अपने आप पे डिपेंड होगा। यदि आप खुद का बिजनेस करोगे, तो आप खुद के उसके मालिक रहोगे, खुद के। तो ये आपके ऊपर है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। भगवान का दोष इसमें मत दो कि मुझे भगवान ने ऐसा बनाया, सिर्फ दोष है आपका कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, आपके पैसा कमाने का क्या तरीका है। किसानी कर रहे हो कि प्लम्बरिंग कर रहे हो कि हेल्परी कर रहे हो कि नौकरी कर रहे हो? भगवान आपको ये नहीं बोलते कि हे रे रमुआ, तू किसानी करना, तू प्लम्बरिंग करना, तू नहर में काम करना, तू तालाब में काम करना, वो आपको नहीं बोलते। वो सिर्फ आप बोलते हो, आप सिर्फ आप करते हो अपने आप से। आपको कोई नहीं बोलता कि तू ये कर, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हो, अपनी ज़िंदगी खुद सुधार सकते हो। आप खुद अपने आप से काम चूज करते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आपकी लापरवाही, घूमना इधर उधर को करना, वही आप जब बचपन में करते हो, वही आगे जाके आपको कठिन पड़ जाता है। यानी खुद से सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, यदि समय ने बदला ना तो पेशाब करने भी पहुँच के जाना पड़ता है मेरे भाई, पहुँच के। समझ जाओ मेरे भाइयों और बहनों, समझ जाओ। ये वही समझ सकता है जो किसी के पास नौकरी करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि पेशाब करने भी पूछ के जाना होता है, वरना दो चार गाली ऊपर से खाना होता है मेरे भाइयों और बहनों। तो ये जिंदगी है एक जंग, ये कोई गुड्डी और गुड्डे का खेल नहीं है। बहुत संभल के जीना पड़ता है मेरे भाई, वरना रात दिन काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम करना पड़ता है, फिर भी जेब में पोटी कौड़ी नहीं आती। अब वो जो आती है वो सिर्फ पेट खाने के लिए ही आती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, कुछ नहीं। तो दिमाग लगाओ, ज़्यादा टाइम मत करो, वरना जो जितना टाइम करोगे उतना आगे ही आपको ही भोगना पड़ेगा। तो समझ जाओ मेरे भाई, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा रास्ता पकड़ें। ये बाथरूम का, प्लम्बरिंग का, ये सब आप कब तक कर पाओगे? जब तक आपके अंदर जान है, जब आप नहीं चल पाओगे तब क्या करोगे मेरे भाई? तो आपके अंदर दिमाग है, दिमाग लगाओ, जो आप बिना चले पैसा कमाओ। ऐसे रास्ते हैं, आपको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप में सबूरी रखना पड़ता है, भरोसा रखना पड़ता है। डायरेक्ट किसी चीज़ में मत कूद जाना, पता लगे जो है वो भी चला जावे। दिमाग से काम करना मेरे भाई, सिर्फ दिमाग से, ओनली दिमाग से। सारा खेल सिर्फ मनी का है मेरे भाई, मनी का। अब आपको डिपेंड करता है कि आप मनी कैसे ला सकते हो, सिर्फ आपके ऊपर। आप इसी पर आज़ाद हो सकते हो अपने आप से, आपको कोई दूसरा आज़ाद करने वाला नहीं आएगा मेरे भाई, नहीं आएगा। सब आपसे काम ही करवाने वाले आएंगे आपके पास, सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को आज़ाद कर सकते हो, आज़ाद।